सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को टेक्निकल वाइट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाइट। और अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा और सस्ता समाइक मिल जाए जिससे आपकी साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तो मैं आपको एक ऐसा माइक दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ आपको 198 रुपीज में मिलने वाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है और इनबिल्ट क्वालिटी कैसी है और कितने टाइम तक वो टिक जाएगा और क्या वो आपके लिए सही है। तो अगर आप लेना चाहते हैं एक माइक अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और देखना चाहते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिए। और अगर आप इसी तरह की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 198 रुपीज़ का माइक आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा और आपको इसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। और इसके साथ आपको मेल टू मेल ऑडियो केबल कनेक्टर भी फ्री मिल जाएगा। मैंने भी इसे फ्लिपकार्ट पे मंगाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए हम इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊँगा। तो अभी जो आप सुन रहे हैं वो भी इसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप अभी ही इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये रहा इसका बिल जिस पर टोटल प्राइस लिखा हुआ है 198 रुपीज़। ये मुझे ऐसे ही डिलीवर हुआ था जिस पर कुछ टेप चिपका कर पैक किया गया था, जिसे मैंने पहले ही हटा दिया था। तो ये सिंपली पैकेट में हमारा माइक मिल जाता है और इसके साथ एक मेल टू मेल ऑडियो केबल कनेक्टर भी फ्री दिया गया है। तो ये जो माइक है ये एक लेपल माइक है जिसे आप कॉलर माइक भी बोल सकते हैं। तो ये है इसके ऊपर का फॉर्म जो कि एयर फिल्टर करता है। इसके बिना माइक कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसका जो ये क्लिप है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और बहुत हार्ड है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये टूट जाएगा या ये आपका क्लिप बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। और इसका जो जैक है 3.5 mm का है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये आपका एयर फिल्टर है जो कि एयर फिल्टर करता है, मतलब कि अगर आप कोई ऐसी जगह है जहां आंधी तूफान आ रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक उसकी आवाज़ को कम कर देता है। तो इसकी क्वालिटी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए अब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए कि ये डायरेक्ट मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है और मैंने अभी कोई माइक नहीं लगाया है। और अभी आप बैकग्राउंड नॉइज़ सुनिए। और अब हम यहाँ अपना नया माइक लगा कर देखते हैं। तो मैंने अपना नया माइक लगा दिया है। तो अब देखिए ये किस हद तक नॉइज़ कैंसिलेशन करता है। तो मैं अभी जिस जगह पे माइक का टेस्टिंग कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, फिर भी आप देख सुन सकते हो कि यहाँ पे जो है इसमें बिल्कुल ट्रैफिक का आवाज़ नहीं आ रहा है। लेकिन पहले जो आपने डायरेक्ट फ़ोन से सुना था उसमें वो आवाज़ आ रही थी। तो अब हम जो है इसकी टेस्टिंग फ़ैन में करते हैं, फ़ैन चला कर करते हैं कि और देखते हैं कि क्या उसमें जो है उसकी आवाज़ को ये रिमूव करता है या नहीं। तो अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये डायरेक्ट मेरे फ़ोन से हो रहा है और अभी फ़ोन में कोई भी माइक मैंने ही लगाया है। तो अभी आप सुन सकते हैं कि फैन चलाने के बाद ये किस तरह से मेरे आवाज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी मैं 10 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ ताकि आप इसे ठीक से सुन सकें। तो अभी जो आप सुन रहे होंगे कि फ़ैन का जो आवाज़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए अब हम अपना नया माइक लगा कर इसमें देखते हैं। तो मैंने यहाँ अपना नया माइक लगा दिया है। तो आप सुन सकते हैं कि ये जो आवाज़ है ये काफ़ी हद तक माइक के कारण कम हो चुका है। तो मैं फिर से अभी 10 सेकेंड के लिए चुप हो जाता हूँ ताकि आप माइक के साथ इसकी आवाज़ को सुन सकें। तो अभी आपने सुना होगा कि ये जो आवाज़ है इसमें फ़ैन का आवाज़ बहुत कम हो चुका है। तो ये हमारा माइक का टेस्टिंग हो चुका है। लेकिन आप इस माइक से जो है ज़्यादा दूर से वीडियो रिकॉर्ड नहीं बना सकते क्योंकि इसका जो वायर है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इससे जो आप वीडियो बना सकते हैं वो बस इतना ही दूर तक बनेगा जितना दूर तक मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।